आज मैंने बनाया है ये सुंदर सा प्यारा सा कलियों में से डोरमैट। देखिए ये मैंने चौकोर डिब्बा बनाया है, कलियां बनाई हैं, इसी से मैंने ये दिल वाला डोरमैट की डिजाइन बनाई है। देखो दिल वाला डोरमैट है ना। तो आप इस तरीके से साड़ी ब्लाउज जो भी आपके पास है दुपट्टे, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सुंदर सा प्यारा सा दिल वाला डोरमैट बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अंडा आकार का डोरमैट बनाने के लिए मैंने इसमें 24 फंदे डाल सकते हैं आप, 30 फंदे डाल सकते हैं, 50 फंदे डाल सकते हैं, आप कितने चाहते हैं उतने फंदे डाल लें। देखिए इसमें मैंने 14 फंदे डाले हुए हैं। मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ और 14 फंदों को हम इस तरीके से पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने 14 फंदे डाले हुए हैं आप, मैंने अभी आपसे कहा ज्यादा कम भी आप कर सकती हैं। ये दो फंदे छोड़ दिए मैंने यहीं से। देखो मैं आपको एक एक कली बनाकर दिखाऊंगी। मैंने अभी दो फंदे छोड़े। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ के शेयर करें, कमेंट करें। और इस वाले फंदे को हम सीधा ही लेंगे ऐसे। अब देखिए इस वाले फंदे को उतारेंगे, फिर से बनाना शुरू करेंगे ऐसे ही। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने फिर से दो फंदे छोड़ दिए, यानी चार फंदे छोड़ दिए। और इसी तरीके से बनाते जाएंगे और इधर की साइड में हम दो दो करके फंदे छोड़ते जाएंगे। देखिए ऐसे। फिर से दो छोड़ दिए। तो ऐसे ही हम अपने यहाँ तक बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखा। देखिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा रही हूँ। मैंने इधर की साइड में ये दो दो करके फंदे छोड़ दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आप साड़ी से बना रहे हैं तो एक एक इंची की पट्टियाँ कट कर लें और इसी तरीके से गोले बनाकर, ऐसे गोले बनाकर और अपने डोरमैट को बनाएं। और बहुत सुंदर लगते हैं इस तरीके से डोरमैट बनाते हैं। तो पहला फंदा उतारेंगे, फिर से बनाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे देखो ऐसे। तो देखिए एक कली मेरी ये बनके कंप्लीट हो गई है। तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, इधर की साइड से हम सभी फंदों को बनाते जाएंगे। देखो पहला तो फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे देखो, ये दो दो करके छोड़े थे, सभी फंदे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ से अपना कलर चेंज करेंगे, सभी फंदे बनाए, यहाँ से ही अपना कलर चेंज करेंगे। देखो इस वाले कलर को हम यहीं पे छोड़ देंगे और ऐसे बनाएंगे। देखिए तो देखिए मैंने ये कलर चेंज कर लिया है और ये मेरी दूसरी कली बनना स्टार्ट हो गया है। सादा है बिल्कुल।
अब इसे हम सीधा ही लेंगे, चाहे जो भी कलर इस्तेमाल करें, मगर फंदे को लास्ट वाले को हम सीधा ही लेंगे। देखो तो इस तरीके से ये मैंने कलर चेंज करते हुए अब अपनी कली को बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस वाले फंदे को उतारेंगे, सॉरी, और बस ऐसे ही हमें अपनी कलियां बनानी हैं। इसी तरीके से हम इसमें 6 कली बनाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 2 फंदे मैंने फिर से छोड़ दिए, ये वाले। तो इसी तरीके से हम 6 कलियां बना लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कलियां मैंने बना ली हैं इसमें, और 1 2 3 कली एक कलर की, 1 2 3 कली एक कलर की बनाई है मैंने। अब क्या करेंगे, अब इसे हम उतारेंगे इस तरीके से, आधे ही यानी आधे आधे डिब्बे बनाएंगे इस तरीके से, और ऐसे डबल फंदा लेंगे और बना देंगे, फिर से डबल लेंगे, फिर से बना देंगे, फिर से डबल लेंगे, फिर से बना देंगे, और इसी तरीके से हम अपने सभी फंदों को कम कर लेंगे। और पहले सभी फंदों को इसी तरीके से कम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। तो देखिए लास्ट वाला फंदा भी बना देंगे और इस तरीके से खींचते हुए इसमें नॉट लगा देंगे, देखो इस तरीके से। तो एक कली हमारी इस तरीके से एक पार्ट बन गया है। दूसरा पार्ट बनाती हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक पार्ट मैंने आपको ये वाला बनाकर दिखाया, ये वाला पार्ट मैंने बना लिया है। अब देखिए हम, मेरे पास ये चौकोर इस तरीके से डोरमैट था, ये ओम चौहान के चैनल पर डला हुआ है इस वाला डोरमैट। तो मैंने सोचा इस तरीके से ऐसे इसमें देखो दिल की शेप बन जाएगी, आपको दिख रहे होंगे, देखो। तो ऐसे ही हम दिल की शेप बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसे आप सीधा करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे, इसे भी उल्टा करेंगे और इसे भी उल्टा करेंगे। अब हम उल्टा करके इसके सिलाई करेंगे, तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी से सिलाई होगी इसकी। तो यहाँ से इस वाले कोनों से हम सिलाई करेंगे, ऐसे। पहले अपने डोरमैट को उल्टा करेंगे और सभी को, फिर इसकी सिलाई करेंगे, फिर सिलने के बाद मैं इसे सीधा करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से हम दोनों कलियों को यानी इस तरीके से सिल लेंगे, ऐसे एक यहाँ तक कोने तक, फिर इस वाले कोने से इसे लगाएंगे। तो ऐसे इसकी सिलाई यहाँ से करेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, यानी सिलाई करके आपको दिखाऊंगी, इसी तरीके से सिलेंगे बस। तो आज मैंने ये देखो सिल के आपको दिखाया है, पूरे डोरमैट को सिल लिया है और नॉट भी लगा दिया। तो यहाँ से धागे को कट कर देते हैं और मैं आपको अब सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए दिल वाला डोरमैट बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से प्यारा सा बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये दिल वाला डोरमैट, काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। देखो आप इस तरीके से दिल वाला डोरमैट बना सकते हैं, क्योंकि जो आप सिंपल यानी कठिन वाला दिल बनाओगे वो नहीं आता है। इस तरीके से कलियों में बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये दिल बनके तैयार हो जाता है। पहले हम ऐसे डिब्बे बना ले, मैंने इसमें 4 डिब्बों का इस्तेमाल किया है। आप इसमें 2 डिब्बे भी बना सकते हैं, 1 डिब्बा भी बना सकते हैं। इस तरीके से कलियों को सिल के आप अपने पूरे डोरमैट को दिल वाला बना सकते हैं। तो ये मेरा डोरमैट बनके सिल के पूरी तरह से तैयार है।